Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, our today's topic of discussion is continuation of phylum Echinodermata. बेटा कल हमने phylum Echinodermata को start किया था जब हमने Echinodermata की बात की थी. इनको हम कहते हैं spiny skinned animals. Spiny skinned animals इसलिए हम कहते हैं क्योंकि बेटा इनके अंदर क्या उसे कहते हैं जो skeleton है वो endoskeleton है. इसके body के अंदर से जो क्या उसे कहते हैं spines body से बाहर निकलती है, इसकी delicate skin से बाहर निकलते हैं. और वो जो क्या उसे spines वगैरह दे और calcium rich plates, उनके अगर कंपोजिशन चेक की जाए तो कैल्शियम रिच प्लेट्स हैं. और कुछ स्टार्ट में हम बातें कर चुके थे, इनकी स्किन की बात कर चुके थे, इनके एंडोस्केलेटन की बात कर चुके थे हम, क्या से माउथ एनस वगैरह इन सब की बातें कर चुके थे. बेटा मैंने कहा था मैं आपको ना स्टारफिश वगैरह का जर्नल जो स्ट्रक्चर वगैरह ना उसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा. मैं कहता हूँ ये स्टारफिश एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसका क्या वाटर वेस्कुलर सिस्टम, अगर इसके स्ट्रक्चर पर गौर करो ये सेंटर में क्या उसे कहते हैं इसकी सेंट्रल डिस्क होगी. क्या होगी? सेंट्रल डिस्क. और इस डिस्क से इसकी पेरिफेरी पे साइड्स पे क्या इसकी आर्म्स क्या करती हैं, ओरिजिनेट करती हैं. क्या करती हैं? ओरिजिनेट करती हैं. अगर गौर करो ये क्या उसे कहते हैं सेंट्रल डिस्क है, जिसे सेंट्रल कैनाल वगैरह भी आप कहते हो. इससे ये क्या उसे कहते हैं ये रेडियल कैनाल, ये क्या रेडियल कैनाल निकल रहे हैं. होता क्या है इसकी इस साइड पर क्या उसे कहते हैं एक क्या उसे कहते हैं स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज अ मैड्रिपोराइट. दैट इज कॉल्ड एज अ मैड्रिपोराइट. पुत्र ये जो लिखा हुआ है मैड्रिपोराइट, मैड्रिपोराइट क्या चीज है? मैड्रिपोराइट की बहुत बात करोगे तो आप कहते हो दिस इज अ परफोरेटेड प्लेट. परफोरेटेड प्लेट. अब जब मैं कह रहा हूं ये परफोरेटेड प्लेट है तो बेटा होगा क्या, इसमें से वाटर वगैरह अंदर एंटर हो जाएगा, वो किसमें चला जाएगा, ये सेंट्रल डिस्क, ये सेंट्रल कैनाल वगैरह इसमें चला जाएगा. इसमें से क्या होगा ये जो क्या होगा इसकी आर्म्स में ये आपको रेड सी नजर आ रही होगी जिसे हम रेडियल कैनाल कहते हैं. क्या नाम देते हैं? रेडियल कैनाल. ये जो निकल रही है ना इनमें वाटर एंटर चला जाता है, इस वजह से क्या से स्पोर्ट वगैरह मिल जाती है. और ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इसके डिफरेंट फंक्शन वगैरह इसकी फीडिंग में, इसकी क्या लोकोमोशन में काफी सारे कामों में क्या होगा इन्वॉल्व होगा. और उसके अलावा अब इसकी लोकोमोशन भी है. जब आप लोकोमोशन की बात करते हो लोकोमोशन के लिए इसके अंदर पुत्र स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिन्हें हम क्या नाम देते हैं ट्यूब फीट. क्या नाम देते हैं? ट्यूब फीट. और याद रखना जो ट्यूब फीट है ना बेसिकली उनका जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी को हम स्टडी ऑफ फंक्शनिंग कहते हैं, उसका जो फंक्शन परफॉर्म करना या उनका लोकोमोशन में किसान, जिस तरह आपने एक वर्ड सुना होगा सक्शन कप. क्या सुना होगा? सक्शन कप. वो क्या उसे कहते हैं एक्ट करता है परफॉर्म करता है, इसका भी मैकेनिज्म उसी के ऊपर है. और यहाँ पे एक वर्ड और लिखा एम्प्यूला. क्या लिखा हुआ है? एम्प्यूला. ये जो पुत्र आपके क्या होते हैं ट्यूब फूट वगैरह इसके नीचे जो स्टॉक होती है ना उसे हम क्या नाम देते हैं? एम्प्यूला. होता क्या है मैं कहता हूँ फर्ज कर लो इस स्टारफिश ने इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना है. अगर इस डायरेक्शन में मूव करना है ये पता क्या करेगा? अपना जो आर्म है उस सबस्ट्रेटम उस सरफेस के ऊपर प्लेस करेगा. अब इसके क्या उसे कहते हैं जो ट्यूब फूट होंगे ना वो सक्शन कप की तरह उस सरफेस के साथ ज्वाइन कर देंगे. अब ये वाला क्या उसे कहते हैं एक जो आर्म है इधर ज्वाइन हो जाएगा, इधर वाला जो आर्म होगा वो इधर से डिटैच हो जाएगा, ये इधर मूव करता जाएगा. जब इसने नेक्स्ट मूव करना होगा तो वही ट्यूब फिट वहां से क्या उसे कहते हैं वो प्रेस होके प्रेशर बाहर निकाल के वो डिटैच हो सकता है. ये इसका बेसिकली जर्नल सा स्ट्रक्चर है स्टारफिश वगैरह का. फिर बेटा हम कह रहे थे इसके अंदर सेंट्रल डिस्क है, ये सेंट्रल डिस्क वगैरह. फिर हम कहते हैं आर्म्स, ये जो इसकी आर्म्स क्या होते हैं ओरिजिनेट की हुई हैं. और ट्यूब फीट को हम कहते हैं दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन, दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन. फिर बेटा रिप्रोडक्शन की बात करोगे, रिप्रोडक्शन में कहता होता हूँ वो उत्तर दो टाइप्स होती हैं सेक्चुअल और असेक्चुअल. मैंने आपको कहा था एनिमल्स में जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्या उसमें फाइला पे मूव करते जाएंगे ना तो आपको जो पुत्र मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नजर आएगा ना वो आपको सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही नजर आएगा. और हाँ उसमें ये होता था बाज हर्मेफ्रोडाइट थे और बाज नहीं थे. इनमें भी क्या है सेक्सेस क्या सेपरेट, सेक्सेस क्या है बेटा सेपरेट है. अब सेक्सेस सेपरेट से मुराद है कि मेल अलग होगा फीमेल क्या होगा अलग. अच्छा फर्टिलाइजेशन, जब आप फर्टिलाइजेशन की बात करते हो फर्टिलाइजेशन को मैं बहुत दफा डिफाइन कर चुका हूँ. फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग, एग और स्पर्म की जो फ्यूजन है दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. और उसके भी दो आपको पता है क्या उसे कहते हैं टाइप्स हैं या मोड्स हैं, एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर हो रही है एनवायरमेंट में हो रही है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. और अगर क्या उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रही है तो क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन. वैसे मैं एक जर्नल कंपैरिजन में बात करूँ ना
तो आप जैसे जैसे इन फाइला में फर्दर मूव करते जाओगे ना, तो आप देखते जाओगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता पता है क्या, जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग होता है ना, जो अगली नस्ल होती है, उनको प्रोटेक्शन ज्यादा है, जायगोट को, एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन ज्यादा है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो ऑफस्प्रिंग क्या उसे कहते हैं, या जायगोट, एम्ब्रियो या लार्वा वगैरह जो होते हैं ना, वो बेटा क्या होते हैं, एनवायरनमेंट के रहमो करम पे होते हैं। अगर तो वो सर्वाइव कर जाए, कोई प्रेडेटर ना आए, या क्या उसे कहते हैं कोई कैटास्ट्रोफिक कंडीशन ना आए, तो क्या उसे कहते हैं वो बच जाएंगे, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं। और इसीलिए देखा जाता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ह्यूमन फीमेल में एट अ टाइम एक ही एग प्रोड्यूस होता है, एक ही एग प्रोड्यूस होता है। इसके कंपैरिजन में अगर फिशेज वगैरह में चले जाओ, तो उनमें उतर के एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, उनमें एग भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म्स भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, आई मीन एग्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। किसमें? ये क्या उसे कहते हैं फिशेज वगैरह में। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, वो क्या करेगी, फीमेल फिश जाएगी, वो किसी एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में क्या उसे कहते हैं एग्स ले कर देगी, जैसे ही एग्स ले करेगी उसके बाद उतर वहाँ पर मेल फिश उनके ऊपर क्या उसे कहते हैं स्पर्म स्प्रे कर देंगे, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब इतने ज़्यादा क्या उसे कहते हैं एग्स और स्पर्म फ्यूज करेंगे, उनमें से बहुत सारे एग्जिस ज़्यादा इसलिए बनते हैं कि फर्ज करो 1000 के उसे जायगोट बने हैं, उनमें से क्या उसे कहते हैं पुत्र बहुत सारे एनवायरनमेंट की वजह से डिस्कार्ड भी हो जाने, बचने कम है। इस वजह से हम इसे कहते हैं जो मिके, देखो अल्लाह ताला का ये कानून है कि जो बेहतर से बेहतर स्पीशीज बनी हुई हैं उनमें मॉडिफिकेशन अडाप्टेशन भी ज़्यादा बेहतर आई हुई हैं। और अगर एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो फर्टिलाइजेशन में जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ज़्यादा वेल अडाप्टेड, वेल मॉडिफाइड, बेटर वे है। खैर, लार्वल स्टेजेस हैं, इनमें बाइपेनियर और ब्रैकुलेरिया दो डिफरेंट टाइप के लार्वा वगैरह बनते हैं। ऑटोटोमी, ऑटोटोमी को उत्तर हम सेल्फ कटिंग करते हैं, अपने किसी स्पेसिफिक पार्ट को कट कर देना, उसे हम ऑटोटोमी कहते हैं। और रीजनरेशन, जो लॉस्ट पार्ट है उसको दोबारा बना लेना, दैट इज कॉल्ड एज अ रीजनरेशन। और उधर ये स्टारफिश वगैरह में देखा गया कि इनके अंदर रीजनरेशन की कैपेबिलिटी, एबिलिटी अच्छी खासी है। कहा जाता है इसकी आर्म वगैरह की उससे कटिंग हो जाए, इंजरी हो जाए, या ऑटोटोम कुछ भी हो जाए, वो कट हो जाए तो वो दोबारा बन जाती है। इवन यहाँ तक ऑब्जर्व किया गया है कि सिर्फ ये सेंट्रल डिस्क बच जाए, बाकी ये सारी की सारी क्या उसे कहते हैं, जो जितनी भी आपकी क्या उसे कहते हैं ये आर्म्स हैं, एम्प्यूटेशन में ये कट हो जाए तो फिर भी ये दोबारा रीजनरेट कर लेगा। इसके अंदर इस लेवल तक क्या रीजनरेशन की एबिलिटी है। फिर बेटा एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो एग्जाम्पल्स में स्टार फिश है, सी कुकम्बर है, सी लिली या ब्रिटल स्टार वगैरह इनके अंदर हैं। यहाँ तो होगी उसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स। मैंने एकानिडर्मेटा का जो फाइल में कल स्टार्ट किया था, कल थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन ही दिया था, आज बेसिकली उसको हम आगे चलाएंगे। नेक्स्ट है बेटा डाइजेशन। जब डाइजेशन की बात करोगे आप, डाइजेशन इनमें क्या होता है, कंप्लीट है। डाइजेशन इनमें क्या कंप्लीट है, और चंद एक के अंदर वो कह रहा है कि जी एनएस वगैरह क्या उसे कहते हैं एबसेंट है, वो आपने क्या रीडिंग वगैरह कर लेनी है। रेस्पायरेशन आपको बहुत बता चुका हूँ बेटा, रेस्पायरेशन क्या चीज़ है, क्या उससे गैसेस एक्सचेंज इज कॉल्ड एज रेस्पायरेशन, जिसमें कि ऑक्सीजन का इंटेक कर लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाएगा। रेस्पायरेशन का जो फिनोमिनन है, इनके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट क्या उससे कहते हैं स्ट्रक्चर बन रहे हैं। वो आपकी बुक में मैंशन क्या किया हुआ है, आपकी बुक में ये मैंशन किया हुआ है, रेस्पायरेशन इज परफॉर्म्ड बाई डर्मल ब्रैंकाई ट्यूफिट रेस्पायरेटरी ट्री, मैं डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। एग्जाम्पल सी कुकम्बर एंड बुशाई वगैरह, एग्जाम्पल क्या उसे कहते हैं ब्रिटल स्टार वगैरह, मीन डिफरेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। जब आप क्या है डर्मल ब्रैंकाई, इन्हें हम क्या उसे कहते हैं स्किन गिल्स भी कहते हैं, ट्यूफिट के थ्रू भी करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्री में स्ट्रक्चर होगा जो रेस्पिरेशन वगैरह में क्या उसे कहते हैं इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट बेटा ट्रांसपोर्ट की बात करोगे, ट्रांसपोर्ट में इनका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज मच रिड्यूस्ड, इनके अंदर जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है इतना ज़्यादा वेल्ड ऐसा है नहीं, इनमें क्या बहुत ज़्यादा क्या बेटा रिड्यूस्ड है। नेक्स्ट एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन को मैं बहुत दफ़ा डिफाइन कर चुका हूँ, एक्सक्रीशन को क्या कहते होता हूँ, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और प्रीवियस लेक्चर में आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या उसे कहते हैं बेटा, तीन आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। मैंने कहा था जो अबंडेंट सप्लाई है वाटर में मौजूद है ना, वो किसकी फॉर्म में करते हैं अमोनिया की फॉर्म में। जो मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में मौजूद है वो किसके फॉर्म में करते हैं यूरिया के फॉर्म में। और जो अल्टीमेट ड्राई कंडीशन में या बहुत क्या उसे कहते हैं स्कॉर्सिटी ऑफ वाटर जहाँ पे है वो क्या है यूरिक एसिड में। फिशेज वगैरह अमोनिया के फॉर्म में, क्या उसे कहते हैं जो मॉडरेट ट्रस्टेड एनिमल्स हैं वो किसके यूरिया के फॉर्म में, जो अल्टीमेट ड्राई कंडीशन है वो किसके फॉर्म में यूरिक एसिड वगैरह के फॉर्म में। हमारे बॉडी के अंदर भी
ह्यूमन के अंदर पुत्र पता क्या होता है, पहला तो जो नाइट्रोजन प्रोडक्ट ना वो अमोनिया ही बनता है, क्या बनता है अमोनिया, लेकिन हमारे लीवर वगैरह के अंदर क्या किया जाता है यूरिया साइकिल होता है, जिसके नतीजे में क्या किया जाता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये यूरिया को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने में आपका वाटर कम कंज्यूम होगा, वाटर कम कंज्यूम होगा, और दूसरा ये भी याद रखना जो यूरिया है ये अमोनिया के कंपैरिजन में लेस टॉक्सिक है। ये दो बातें याद रखना, हम कहते हैं जो यूरिया है, अगर आपने क्या अवसर कहते हैं अमोनिया के कंपैरिजन में यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है लेस, और दूसरा यूरिया लेस टॉक्सिक है किसके कंपैरिजन में अमोनिया के कंपैरिजन में। फिर बेटा आपका क्या अवसर कहते हैं इनके नर्वस सिस्टम वगैरह, इनके अंदर के सरकमोरे नर्व रिंग्स वगैरह जो प्रेजेंट होता है ये सेंट्रल डिस्क के इर्द गिर्द, सेंट्रल डिस्क के इर्द गिर्द, और वहाँ से क्या उसे कहते हैं नर्व वगैरह रेडिएट वगैरह करती हैं। एक है सरकमोरर नर्व रिंग, वो क्या है जो सेंट्रल डिस्क के इर्द गिर्द नर्व रिंग होगा, सरकमोरर नर्व रिंग होगा, और फिर वो बताता है रेडियल नर्व कॉर्ड जो इन आर्म्स में क्या उसे कहते हैं रन करेंगे। फिर बेटा देयर इज नो ब्रेन, स्पेसिफिक ऐसे इनमें ब्रेन ऐसे नहीं है, यहाँ तक आपका ये हो गया। नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूँ बेटा देखो हम किसी भी एनिमल को स्टडी करते हैं किसी भी प्लांट को डिस्कस करते हैं ना, ह्यूमन का बेसिक ये फायदा होता है कि हमें इससे फायदा कितना हो रहा है हमें इससे नुकसान कितना हो रहा है, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना होता है। पुत्र जितने भी आप बॉटनी पढ़ रहे हो जुआलॉजी पढ़ रहे हो उसमें क्या हम देख रहे हैं, हाँ ये प्लांट्स हमारे बेनिफिशियल हैं, ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ये वाले प्लांट्स हैं, और एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रीडेटर हैं या ये हमारे फूड वगैरह, इस पॉइंट ऑफ व्यू हम किसी भी एनिमल को डिस्कस करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जरूर देखेंगे, इसके ये फायदे हैं ये नुकसान आते हैं। जब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करोगे हम कहते हैं मैनी कैनोडर्म्स आर यूज्ड एज फूड, फूड वगैरह के तौर पर यूज करते हैं, ड्राइड स्केलेटन ऑफ कैनोडर्म्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर को अगर मैं बोलूँ तो आपको पता होगा जिन्हें हम खाद्य वगैरह कहते हैं फर्टिलाइजर, बिकॉज ऑफ देयर हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम एंड नाइट्रोजन। तो आपको पता है क्या उसे कहते हैं कैल्शियम और नाइट्रोजन वगैरह, ये क्या उसे कहते हैं फसलों वगैरह को चाहिए होता है, आपकी जो क्रॉप्स वगैरह उनकी ये रिक्वायरमेंट है, जब उनकी ये रिक्वायरमेंट है तो कोई ऐसे क्या उसे कहते हैं सब्सटेंस प्लांट या एनिमल वगैरह जिनमें ये चीज़ें ज़्यादा हैं हम उनको क्या उसे कहते हैं फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ करते हैं। लेकिन देखो नाइट्रोजन की बात करूँ ना, नाइट्रोजन तो आपको मेरे से ना एक जनरल क्या उसे कहते हैं कल वो हमारे कंप्यूटर के सर हैं सर शाहनवाज, उनसे डिस्कशन हो रही थी, वो कहते हैं यार ये प्लांट्स हैं, वो बात कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वहाँ पे वो कह रहे थे कि जी नाइट्रोजन में भी नाइट्रोजन की साइक्लिंग में इन्वॉल्व हैं या क्या उसे कहते हैं वो कह रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन बैक्टीरिया वगैरह का प्लांट के साथ क्या ताल्लुक है। मैंने एक सिंपल सी बात की थी, मैंने कहा बेटा हमारे एनवायरनमेंट में एटमोसफियर में जितनी भी गैसेज हैं नाइट्रोजन है कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन है सबसे ज़्यादा जो कंसनट्रेशन है या सबसे ज़्यादा जो मौजूद है वो नाइट्रोजन है, लेकिन इस नाइट्रोजन का प्लांट्स को डायरेक्ट फायदा कोई नहीं है। क्यों? प्लांट्स इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, प्लांट क्या करते हैं ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के लिए कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि उन्हें नाइट्रोजन चाहिए, प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, क्लोरोफिल बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, न्यूक्लिक एसिड्स बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। तो होता क्या है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है N2 की फॉर्म में, इसको साइल के अंदर स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, क्या नाम देते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें नाइट्रेट्स में या अमोनियम वगैरह में, जब इन चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं ना तो फिर बेटा पता क्या होगा क्या उसे हम नाइट्रेट्स में या अमोनियम के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स को क्या कर लेंगे अब्जॉर्ब कर लेंगे। अब ये रोल है किसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जिस तरह ये क्या उसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं इसी तरह डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया भी हैं। मैं कह आप समझ लो कि नाइट्रोजन साइकिल में बैक्टीरिया वगैरह की बहुत ज़्यादा क्या है इन्वॉल्वमेंट है। मैं कह रहा था इनके अंदर नाइट्रोजन वगैरह है कैल्शियम वगैरह इस वजह से ये क्या उसे कहते हैं फर्टिलाइजर के तौर पर यूज होते हैं। अब हम कहते हैं स्टारफिश एक्ट एज स्केवेंजर्स दस क्लीन सी वाटर, ये स्केवेंजर्स हैं डेड पर फीड करते हैं, जब वो डेड पर फीड करें तो वाटर वगैरह जिस एनवायरमेंट में मौजूद है वो क्लीन वगैरह कर देंगे, और इनमें से क्या हैं कुछ स्टिंगिंग सी अर्चन्स भी हैं जो कि पॉइजनस, जो स्टिंगिंग है जारी बात है वो क्या होंगी पुत्र पॉइजनस वगैरह, ये एग्जांपल डायग्राम वगैरह बनी हुई है। यहाँ तक आपका पुत्र क्या है आपका फाइलम एकिनोडर्मेटा है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्या उसे कहते हैं ये हेमिकार्डेटा का थोड़ा सा दूंगा और जनरल सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा किसका कार्डेटा का, क्यों क्योंकि नेक्स्ट हमारे एक दो लेक्चर के बाद ना वैसे मेरे ख्याल में फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये चैप्टर जहाँ तक ये क्या यूट्यूब वाली क्लासेस में होगा ना वहाँ तक ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हमारे आएंगे ना लाइव
तो जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा इस चैप्टर का वो हम करवा देंगे उसमें फिजिकल क्लासेस में करवा देंगे। खैर मैं इस चीज़ को लास्ट 2-3 मिनट में समराइज करता हूँ। हमने फाइलो मैकेनोडर्मेटा के कंटिन्यूएशन में थे, हम कहते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे तो ये पूछा जनस का उसका स्ट्रक्चर है। ये सेंट्रल डिस्क है जिससे आर्म्स रेडिएट करते हैं। सेंट्रल डिस्क यहाँ पे उसके साथ क्या उसे कहते हैं स्ट्रक्चर होगा, दैट इज कॉल्ड एज मैड्रिपोराइट। मैड्रिपोराइट क्या, परफोरेटेड प्लेट है जहाँ से वाटर वगैरह अंदर एंटर हो जाएगा। जब ये सेंट्रल कनाल में वाटर आ जाएगा, ये पुत्र जो रेडियल कनाल जो इससे निकल रही है उनमें वाटर एंटर कर देगा, क्योंकि ऐसे थोड़ा क्या उसे कहते हैं स्पोर्ट वगैरह मिल जाएगी। उसके साथ ही ग्रूव्स में, मतलब ये रेड सन आपको नजर आ रही है ना लाइन सी, इसके साथ ही ग्रूव्स में क्या उसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिन्हें हम ट्यूब फीट कहते हैं, जो ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन है, जो ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन है, और उनका जो मैकेनिज्म है क्या उसे कहते हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करने का, वो पुत्र किस तरह सक्शन कप की तरह है, ये जनरल। और एम्पुला हम किसे कहते हैं, दैट इज आर्म ऑफ द ट्यूब फीट। ये सेंटर डिस्क है, ये आर्म्स ट्यूब फीट की हम बात करते हैं, ये ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सेस क्या है सेपरेट है, ये हर्मेफ्रोडाइट वगैरह नहीं है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, जब स्पर्म और एग की फ्यूजन अकर्स आउटसाइड द बॉडी दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लार्वा वगैरह की दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, ऑटोटोमी सेल्फ कटिंग जो है ना दैट इज कॉल्ड एज ऑटोटोमी। और रीजनरेटर दे हैव द एबिलिटी टू रीजनरेट, वो रीजनरेशन की एबिलिटी भी उनके अंदर ऐसे है। फिर बेटा एग्जाम्पल्स में जाओगे तो इनके स्टार फिश है, सी कुकम्बर है, सी लिली है, ब्रिटल स्टार वगैरह। एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन में देखो, एक आधे स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में ये भी बोला था कि सर एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन वगैरह एक्सक्लूडेड है। बेटा वो मेरे माइंड में था, लेकिन इशू पता क्या है, मैं अपने स्टूडेंट की बात कहता हूँ कि सिर्फ हमने एफएससी नहीं करने, हमने क्या हो सकते हैं एंटी टेस्ट को भी क्या हो सकते हैं क्लियर करना, एमडी गेट वगैरह। वो अब उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पूरा कम्पैक्ट नॉलेज हो, और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर करवा सकें। और सिलेबस वगैरह की ऐसे हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि पहले भी हमारी क्लासेज होती रही हैं, तो हमारे क्या हो सकते चैप्टर चंद एक ही रहते हैं, वो इंशाल्लाह हो जाएंगे, जल्दी कवर हो जाएंगे। डाइजेशन है, फिर बेटा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के अंदर इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, मैं बता चुका हूँ, ट्यूब फिट रेस्पिरेटरी वगैरह। एक्सक्रीशन का मैं बात कर चुका हूँ कि क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या हैं एबसेंट है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के टाइप्स बता चुका हूँ, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड है। नर्वस सिस्टम ब्रेन नहीं है इनके अंदर। सर्कमोलर रिंग है, सर्कमोलर रिंग क्या है, ये उत्तर जो क्या हो सकते हैं इसके सेंट्रल डिस्क है, इसके लॉन्ग जो मौजूद होगा वो सर्कमोलर रिंग है, और जो क्या हो सकते हैं रेडियल नर्व्स भी जो आर्म्स में क्या करेंगी रेडिएट करेंगे मौजूद होंगे। फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये यूज होते हैं फूड के तौर पे, और इनका जो ड्राइड स्केल्टन है दे आर यूज एज अ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्यों यूज होते हैं, ये दो चीज़ें, एक उत्तर कैल्शियम है, दूसरा क्या नाइट्रोजन। और स्केवेंजर्स वो होते हैं जो डेड पे फीड करते हैं, वो क्या आ जाएंगे स्केवेंजर्स। और अगर वो डेड पे फीड कर रहे हैं, वो डेड बॉडीज वगैरह जितने भी सीज वगैरह में होंगी उनको वो कंज्यूम करेंगे, तो वाटर वगैरह क्या हो जाएगा क्लीन हो जाएगा। और स्टिंगिंग सी अर्चन्स क्या पुत्र पॉइजनस है। यहाँ तक हमारे ये फाइलो मैकेनोडर्मेटा, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह हेमिकॉर्ड डेटा वगैरह स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।